जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं सार प्लस एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में। इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक एल्कोहल इनटू एसिमेट्रिक इपॉक्साइड्स और ऑक्सीरेन्स व्हेन एलाइल एल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ डाईथाइल टार्ट्रेट एंड टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। बच्चों इस रिएक्शन का नाम देखिएगा, इसका नाम है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन। यहाँ पर एसिमेट्रिक का मतलब होता है कायरल, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे शार्पलेस इपोक्सीडेशन में कायरल इपोक्साइड्स बनाए जाते हैं एलाइलिक एल्कोहल से। ध्यान रखिएगा, एलाइलिक एल्कोहल को कन्वर्ट किया जाता है कायरल इपोक्साइड्स में, और ये बनाने के लिए हम गिवन एलाइलिक एल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड से, और इन प्रेजेंस ऑफ डेट डाइथाइल टार्ट्रेट, और कैटलिस्ट होता है हमारा टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अब जो बात मैंने ऊपर की है वो आपके साथ में यहाँ पे एक रिएक्शन की हेल्प से क्लियर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक एलाइलिक एल्कोहल है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, सर एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, डबली बॉन्डेड कार्बन से जो अगला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है वो हमारा एलाइलिक कार्बन होता है। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया है ये वाला कार्बन क्लियर और ये वाला कार्बन। बच्चों ये दोनों कार्बन हमारे एलाइलिक हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बात करनी है एलाइलिक एल्कोहल की। तो ये देखिए, इस कार्बन पे OH लगा है, तो ये वाला कार्बन जो होगा ये एलाइलिक एल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे OH नहीं लगा है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारे कंपाउंड में एलाइलिक एल्कोहलिक ग्रुप है भी या नहीं। तो ये कंपाउंड जो है ये एग्जाम्पल बेस्ट है फॉर द सरप्लस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन। ये हमारी कंडीशंस हैं जिसका हमने ऊपर डिस्कशन किया था, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड, क्लियर है बच्चों? और ये हमारा प्लस डेट, या फिर हम लोग यहाँ पे माइनस डेट लेंगे। डाइक्लोरोमीथेन यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट होगा और टेम्परेचर रहेगा रिएक्शन के लिए -20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखिए, रिएक्शन जो होता है वो इपोक्सीडेशन हो रहा है। इपोक्सीडेशन का मतलब है इपोक्साइड बनेगा, डबल बॉन्ड जहां पर है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा बंधु, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होके ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, क्लियर है? देखिए आपको मिला क्या, आपने लिया अनसेचुरेट एल्कोहल, क्लियर है? या आप इसको सिंपली ये वर्ड यूज ना करके आप एलाइलिक एल्कोहल बोलिए, और एलाइलिक एल्कोहल में डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन हो जाता है जिससे आपको मिलता है कोरस्पोंडिंग इपोक्साइड और ऑक्सीरेन। अब जल्दी से यहाँ रिएजेंट्स की बात कर लेते हैं। पहला रिएजेंट आप देख रहे हैं टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड, जो हमारा ये ऑक्सीडेंट होता है बच्चों, ये हमारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जो रिएक्शन आपने देखी थी वहां पे डबल बॉन्ड का जो ऑक्सीडेशन होगा जहां से इपोक्साइड बनेगा, उसके लिए जो ऑक्सीजन सप्लायर होता है वो होता है हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड, एंड इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोफिलिक ओ एटम। दूसरा जो यहाँ पे रिएजेंट आपने यूज किया था वो है हमारा टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये इसका फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पे। और ये इसका काम जो होता है वो रिएक्शन को कैटालाइज करना होता है। तो आप इसको बोल सकते हैं सार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन का कैटालिस्ट कौन होता है? टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तीसरा बच्चों, ये हमारे स्टीरियो आइसोमर है डाइथाइल टार्ट्रेट के, इसको शॉर्ट में डेट बोलते हैं, DEDET, जिसको हम लोग बार बार यूज करेंगे। हमारा डेक्सट्रोरोटरी है, ये हमारा लेबोरेटरी है, तो दोनों एनएनसीओमर या दोनों स्टीरियो आइसोमर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए डेट के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल है सर कि डेट पे आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं, रिएजेंट क्यों क्यों दिखा रहे हैं? तो बच्चों इसका आपको पता होना चाहिए कि कौन आपको इलेक्ट्रोफिलिक ओ एटम देता है। इसका आंसर है टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड। इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह कौन बिहेव करता है? तो उसका आंसर है टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और सर इस रिएक्शन में डेट का काम क्या होता है? अरे भाई क्या मारा है। तो बच्चों डेट ही तो है इस रिएक्शन का रिमोट कंट्रोल, इसका नाम है सार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन। सर इस रिएक्शन के अंदर एसिमेट्रिक इपोक्साइड बनते हैं, बस समझ में ना आई सर हमारे? एसिमेट्रिक का मतलब है कायरल, अरे बंधु कायरल इपोक्साइड बनते हैं इसमें, और कायरल इपोक्साइड जो बनते हैं यहाँ पे, ये रिएक्शन की खास बात और भी है कि यहाँ पे ये रिएक्शन जो है ये एनएनसीओ सिलेक्टिव है। एनएनसीओ सिलेक्टिव का मतलब है कि यहाँ पे डेक्स्ट्रो और लीवोरेटरी में आपको एक मेन मिलेगा, मेजर मिलेगा, और दूसरा आपको ना के बराबर नेग्लिजिबल अमाउंट मिलेगा। 98%
से ज्यादा यील्ड मिलती है एक एनएनसीओमर की, तो क्यों ना कहें इस रिएक्शन को हम लोग एनएनसीओ सिलेक्टिव क्लियर है। और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ डैट के हाथ में होता है, डैट कह लीजिए या इस रिएक्शन का रिमोट कंट्रोल कह लीजिए, बात तो एक ही है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्टीरियो आइसोमर ऑफ डैट allows oxidant to attack on only one face of alkene to give nearly pure enantiomer product। अभी आपको बताया था कि डैट ही है जो यहाँ पे ऑक्सीडेंट को अलाउ करता है कि ऑक्सीजन किस साइड से जाएगी, ऊपर से या नीचे से। 98% से ज्यादा आपको केवल एक आइसोमर मिल रहा है, एक स्टीरियो आइसोमर मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको। ऐसे रिएक्शन भाग्य विधाता बन गए आप। रिएक्शन शुरू करने से पहले ही बता सकते हैं कि सर आज तो मैं डेक्सट्रोरोटेटरी इपोक्साइड बनाने वाला हूं या मैं बनाऊंगा लीवो, कितनी अच्छी बात है, और वो भी आपको मैक्सिमम अमाउंट में मिलेगा। अब हम लोग मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ये हमने एक सिंपल से एग्जांपल लिया है, एलाइलिक एल्कोहल का, क्लियर है। ये कंडीशन देखिए, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड हमारा ऑक्सीडेंट तैयार है, टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और हमने डेट लिया हुआ है। यहाँ पे जो हमने डेट लिया है बच्चों, दोनों स्टीरियो आइसोमर को एक साथ दिखा दिया है, क्योंकि हम लोग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। मैकेनिज्म में आप देखते हैं बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, तो ये इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि हमने प्लस लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, माइनस लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, ये डिस्कशन ट्रिकोलॉजी में होगा। फिलहाल आप देख लीजिए बॉन्डिंग टूटते और बनते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो है पहले वो कंबाइन होता है हमारे एल्कोलिक ओपे, तो ये ओपे हमारा कॉम्बिनेशन हो गया कैटलिस्ट का कुछ इस तरीके से। उसके बाद देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जो बिटोक्सी ग्रुप है ये यहाँ पे टाइटेनियम पे कंबाइन होगा कुछ इस तरीके से, और एक थ्री मेंबर चार्ज रिंग बन जाएगी। और एक्चुअली इसका जो बनना होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि ये इपोक्साइड फॉर्मेशन को इनिशिएट कर सके। तो जैसे ये बनेगा वैसे ही यहां से रिंग कुछ इस तरीके से क्लीव हो जाएगा, और जैसे ये क्लीव होगा तो बच्चों ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर है ये डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे CH2S पे ऑक्सीजन कंबाइन होगा, और इस वाले कार्बन के ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन पे कंबाइन होंगे, यानी कि इस बॉन्ड के टूटने के बाद ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा सिंपली, एक इस CH2 के साथ और एक इस CH के साथ। तो आपको जैसे ही इपोक्साइड बनेगा तो आपको पता है कि ऑक्सीजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन विल प्लस चार्ज जाएगा, भाई इलेक्ट्रॉन पेयर दिया था उसने। अब यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे क्लीव होगा, और क्लीव होने के बाद हमारा सिंपली इपोक्साइड बनता हुआ हमको ऐसे दिखाई पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से ये जो हमारा टाइटेनियम कैटलिस्ट है ये यहाँ से बाहर निकल जाता है बिकॉज ऑफ हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा एंड इट विल गिव यू इपोक्साइड, क्लियर हुआ। तो ये हमारा बन गया इपोक्साइड और ऑक्सीरेन। बच्चों ये मैकेनिज्म के बारे में हो सकता है कि किसी और बुक में आपको थोड़ा कुछ और देखने को मिले, ये हमने यहाँ पे एक सिंपल मैकेनिज्म दिया है आपको। ऐसे एक बात बताऊं मैं आपको, इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो सर्टेन नहीं होती है। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, आपने पूछा नहीं, चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, सर ये रिएक्शन मैं क्यों पढ़ूं, क्यों पढ़नी चाहिए मुझे। तो ये रिएक्शन जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए मेन स्टेप है, बिना इस रिएक्शन के उन कंपाउंड को बनाने की हम सोच भी नहीं सकते। सर कौन से हैं वो कंपाउंड, तो आओ जान लो बच्चों। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ की स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फीरोमोन्स, मैक्रोसाइक्लिक नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। बच्चों जैसे आपके टर्पीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, फीरोमोन्स हैं, मैक्रोसाइक्लिक नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत सारी एंटीबायोटिक और हमारी एंटी फंगल मेडिसिंस जो हैं वो बिना इपोक्साइड ग्रुप के जेनरेट किए हुए पॉसिबल नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ सरप्लस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन ही रिएक्शन है जिसकी वजह से वहां पे इपोक्साइड जेनरेट होता है। बच्चों बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो डेट एनेंसियोमर डिसाइड्स स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। बच्चों आपको बताया था कि डेट ही इस सरप्लस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन का रिमोट कंट्रोल होता है, ये ही इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को कंट्रोल करता है।
तो आइए जानते हैं कैसे करता है। यहाँ पे देखिए, हमने एक सिंपल सा एलाइलिक एल्कोहल लिया है। इसमें R1, R2 और R3 जो हमारे सब्स्टिट्यूंट हैं, और ये हमारा हो गया एल्कोहलिक OH ग्रुप। अब यहाँ पे हमने दो कंडीशन लिए हुए हैं। दोनों कंडीशन में आप देखें सब कुछ सेम ही है, केवल फर्क है डेट का। यहाँ पे हमने डेक्स्ट्रो और यहाँ पे हमने लीवो आइसोमर लिया हुआ है डेट का। तो बच्चों देखिए, अगर आपने डेक्स्ट्रो आइसोमर लिया है तो क्या होगा, डेक्स्ट्रो आइसोमर जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी ऑक्सीजन को अलाउ करता है फ्रॉम द अपर साइड, फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ एल्कीन। क्लियर है? तो यहां पे जो ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा, जब आप डेक्स्ट्रो आइसोमर लेंगे यानी कि माइनस आइसोमर लेंगे डेट का, तो ये ऑक्सीजन को टॉप फेस या एल्कीन की अपर साइड से कंबाइन कराता है। क्लियर है? और जब ऑक्सीजन अपर साइड से कंबाइन होगा, तो ऑक्सीजन जब यहां पे जुड़ेगा तो इट विल बी अबव द प्लेन, ऊपर की साइड होगा। और इसको आप दिखाते हैं सॉलिड वेज से, क्या ये क्लियर हुआ? लेकिन बच्चों, अगर आपने लीवो या फिर प्लस डेट लिया हुआ है, तो ये आइसोमर ऑक्सीजन को बिलो द प्लेन लेके जाएगा। एल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, वहां पे बॉटम फेस से लेके जाएगा। और जब बॉटम फेस से लेके जाएगा, तो बच्चों ऑक्सीजन जो एड होगी, इपोक्साइड जो बनेगा, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी बिलो द प्लेन। और आप जानते हैं, हम लोग बिलो द प्लेन को दिखाते हैं ब्रोकन लाइन से। क्लियर है? यानी कि ऑक्सीजन जो यहाँ ऐड हुई है, इसकी पोजीशन बिलो द प्लेन है। तो बच्चों ये था हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग ट्रिकोलॉजी के बारे में जानते हैं, कि जिससे आप एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% सही करके आएंगे, चाहे नेट का हो, गेट का हो, या बंधु किसी भी एग्जाम का हो, कभी ना होंगे फेल, अगर जान लेंगे ये खेल। वेलकम टू ट्रिकोलॉजी। तो आइए ट्रिकोलॉजी ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो फोकस ऑन डेट एंड ओरिएंटेशन ऑफ एलाइलिक एल्कोहल। आपको यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि आपने कौन सा डेट लिया है, प्लस वाला लिया है या माइनस वाला लिया है, डेक्स्ट्रो वाला लिया है या लीवो वाला लिया। और उसके बाद दूसरी मेन चीज कि आपके जो एलाइलिक एल्कोहल में OH ग्रुप का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है। सर ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है, दाएं है कि बाएं है। सर डांस करा रहे हो क्या? अरे नहीं भैया, क्वेश्चन को इजी बना रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। तो बच्चों पहली ट्रिक या पहली कंडीशन जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, इफ एलाइलिक एल्कोहल इज, आपको देखना है कि जो भी आपको कंपाउंड मिला है उसको आप घुमा के कुछ इस तरीके से सेट कर लीजिए कि डबल बॉन्ड जो है वो वर्टिकली कुछ इस तरह दिखाई दे आपको, और उसके बाद आप देखिए कि आपका OH ग्रुप किधर आता है। तो अगर आपका कंपाउंड घुमाने के बाद ऐसे दिया हुआ कंपाउंड घुमाएंगे आप और ऐसे कर लेते हैं, जब कंपाउंड को ऐसे घुमाएंगे तो आप देखिए OH की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे OH जो एक तो राइट साइड में आ रहा है डबल बॉन्ड के, क्लियर है, और दूसरा ऊपर की तरफ है, डबल बॉन्ड जो है ऊपर वाले कार्बन पे लगा है। या फिर आप घुमाएंगे तो हो सकता है बच्चों कि आपका कंपाउंड कुछ ऐसे दिखाई पड़े। तो आप यहाँ पे देखिए OH की पोजीशन क्या है। सर एक तो डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में आ रहा है, बिल्कुल सही बंधु, और दूसरा नीचे की ओर आ रहा है, डाउनवर्ड, क्लियर। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपने डेट कौन सा लिया, तो डेट हमने लिया है, क्लियर है आपको, लीवो वाला। तो आपने डेट देखिए, डेट कौन सा लिया, पॉजिटिव प्लस डेट लिया हुआ है, यानी लीवो रोटेटरी लिया हुआ है आपने स्टीरियो आइसोमर। तो इसकी खास बात ये होती है कि ये ऑक्सीजन को अलाउ करता है किधर से बच्चों, अगर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है तो बिना कंफ्यूज हुए आप ऑक्सीजन को कंबाइन कर दीजिए अपर साइड से, फ्रॉम द अपर फेस ऑफ एल्कीन। सर जब यहाँ पे अपर साइड से आप डबल बॉन्ड पे दिखाएंगे, तो चाहे आप इस तरफ से दिखा दीजिए ऑक्सीजन कंबाइन करके इपॉक्साइड बना के, या इस तरफ से दिखा दीजिए, लेकिन ऑक्सीजन को कंबाइन करने के लिए जो आप बॉन्ड बनाएंगे वो सॉलिड वेज वाला बना देना, इसका मतलब है इट इज अबव द प्लेन। क्लियर हुआ? अब बच्चों अगर आपने माइनस डेट लिया हुआ है, ये वाला स्टीरियो आइसोमर है, तो ये ऑक्सीजन को कंबाइन करेगा फ्रॉम डाउन साइड। डाउन साइड बस इतना ध्यान रखो, यानी कि जब आप इपॉक्साइड बनाएंगे इस डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड को हटा दीजिएगा और ऑक्सीजन को जोड़ दीजिएगा यहां से और यहां से। तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए ब्रोकन लाइन का हेल्प लेना है। ब्रोकन लाइन का मतलब होता है बिलो द प्लेन, क्लियर है? अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। तो दूसरी कंडीशन में भी आपको एल्कोहल जो मिला है उसको बच्चों घुमा लीजिएगा और फिर से आप चेक कीजिएगा OH ग्रुप की पोजीशन। तो इस वाले अगर आपको घुमाने के बाद आपका एलाइलिक एल्कोहल कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, तो जरा फोकस कीजिए अपने एलाइलिक एल्कोहल में OH ग्रुप की पोजीशन पे। तो OH ग्रुप कहाँ पे है? सर डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड है और ऊपर की साइड है, क्लियर है। इस वाले में सर OH ग्रुप कहाँ पे है? सर डबल बॉन्ड के राइट साइड में है और नीचे की ओर है, क्लियर है। तो सर क्या होगा अगर आप प्लस डेट लेते हैं, ये वाला अगर दिया हुआ है,
तो ये ऑक्सीजन को डाउन साइड से यानी कि जो इपोक्साइड बनेगा वहां पे आप ऑक्सीजन का जो एडिशन दिखाएंगे यहाँ पे वो दिखाएंगे बिलो द प्लेन, कुछ ऐसे ब्रोकन लाइन से आप शो करेंगे। लेकिन अगर क्या हुआ, अगर आपने ऐसे कॉन्फिग्रेशन के साथ में माइनस डेट लिया हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे जो ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा वो फ्रॉम द अपर फेस ऑफ द एल्कीन होगा, और जब यहाँ पे अपर फेस से होगा यानी ऑक्सीजन जब आप यहाँ पे कंबाइन करेंगे डबली बॉन्डेड कार्बन पे, तो वहां पे आप दिखाएंगे अबव द प्लेन, उसके लिए यूज करेंगे सोलिड वेज। क्लियर है? तो आपको वो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ही पूछता है कि प्रोडक्ट जो बनेगा इपोक्साइड जो बनेगा वो कैसा होगा। तो अगर आप ये ट्रिक यूज कर लेते हैं, इन दोनों कंडीशन को याद कर लेते हैं, तो यकीन जानिए आपका क्वेश्चन कभी भी इनकरेक्ट नहीं होगा। आंख बंद करके भी आप बता देंगे कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कौन सा एनेंसियोमर मेजर होगा। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं बच्चों प्रैक्टिस प्रॉब्लम की, क्योंकि प्रैक्टिस प्रॉब्लम के बिना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऐसे आड़े तिरछे कंपाउंड होंगे आपके, भयंकर सी ये कंडीशन होंगी, डराने वाली, डरने का नहीं। क्लियर है? डराएगा पर डरने का नहीं, क्वेश्चन को फोड़ के आने का। तो फोड़ेंगे कैसे, कंपाउंड दिया हुआ है इसको घुमा लीजिए, घुमा के आपको क्लियर है, घुमाएंगे तो क्या होगा, वर्टिकली डबल बॉन्ड को कुछ ऐसे ले आइएगा यहाँ पे भी। तो जब आप डबल बॉन्ड को लाएंगे तो OH की पोजीशन क्लियर हो जाएगी, लेफ्ट है या राइट है, डाउन है या अप है। उसके बाद में जो ट्रिकोलॉजी में डिस्कस किया है, फिर आपको माइनस डेट के साथ क्या बनेगा ये इजीली आप बता पाएंगे। अब सर यहाँ पे एल्कीन है, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, चिंता काहे करते हो बंधु। एक बात पक्की है कि सरप्लस इपोक्सीडेशन जो होगा उस डबल बॉन्ड पे होगा जिस पर इसके बाजू में एलाइलिक एल्कोलिक ग्रुप होगा, यानी कि यहाँ पे इपोक्साइड बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है, यहाँ पे कोई सब्सिट्यूट लगा हुआ है, OH होता तो बात होती, फिलहाल तो है ही नहीं। तो काहे टेंशन ले, यहाँ पे बनाइए इपोक्साइड, और उससे पहले आप इस कंपाउंड को ऐसे घुमा लीजिए। जब घुमाएंगे डबल बॉन्ड जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा, और वर्टिकल के बाद आप OH को देख पाएंगे कि OH जो हमारा ट्रिकोलॉजी में किधर जा रहा है ट्रिकोलॉजी के अनुसार। फिर प्लस डेट के साथ आप यहाँ पे दिखा देंगे कि ऑक्सीजन जो है वो अबव द प्लेन दिखाना है या बिलो द प्लेन दिखाना है इपोक्साइड में। तो बच्चों ये था हमारा सरप्लस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन के बारे में, रिएक्शन क्या होती है, कहाँ होती है, कौन कौन से रिएजेंट्स यूज करते हैं, किसका क्या नाम होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है, और वहां पे उसका रोल क्या है। उसके अलावा इस यहां पर ये रिएक्शन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, इस रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री यानी बनने वाले प्रोडक्ट के कॉन्फिग्रेशन को कैसे डिटरमाइन करें कि हमारा जो यहाँ पे है डेक्स्ट्रो एपोक्साइड बनेगा या फिर लिवो एपोक्साइड बनेगा, कौन सा स्टीरियो आइसोमर बनेगा, इसका फैसला डेट करता है। और डेट है तो बेस्ट है जी, हर एक एग्जाम में क्लियर कर दूं, नेट के एग्जाम में ये एग्जामिनर का फेवरेट है, गेट हो या नेट हो मामला फिट है जी, आप इस पे कंट्रोल कर लीजिए, ये आपको नंबर देके जाएगा।